દેશના ડિફેન્સ વિભાગે પણ આત્મનિર્ભરતા માટે એક સૂચક પગલું લીધું છે. જવાનોનો જે યુનિફોર્મ અત્યાર સુધી વિદેશમાં બનતો હતો તે હવે ગુજરાતના સુરતમાં બનશે. દેશના રક્ષા વિભાગ દ્વારા જવાનોના જેકેટ કે ટ્રાઉઝરમાં વપરાતું ફેબ્રિક જે સામાન્ય રીતે ઇમ્પોર્ટ થતું હતું તે હવે સુરતમાં બનશે. प्रधानमंत्री जी की जो आत्मनिर्भर भारत की और मेक इन इंडिया की परिकल्पना को जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो साकार करने में कुछ ना कुछ मैंने अपना योगदान दिया है. आज मैं एक ऐसे कपड़े को विकसित करने में कामयाब हुआ हूं कि जो कि आज भारत के रक्षा क्षेत्र में एक ज़रूरी फैब्रिक है और जिसे हमको आज दिन तक दूसरे देशों से आयात करना पड़ता. और ये ऐसे विशिष्ट फैब्रिक थे कि जिन लोग जिसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स की ज़रूरत होती थी. और आज़ादी के बाद में मैं ऐसा समझता हूँ जिस तरीके का विश्वास हमारे टेक्सटाइल उद्योगों को दिखाया गया और उसी हौसले से जो हमने काम स्टार्ट किया और आज उसका ये नतीजा है कि दीपावली से पहले हमने एक छोटा सा 50,000 मीटर का एक बैच बना करके भेजा. उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता के हिसाब से मापा गया और वो 100% ठीक वैसा ही निकला जैसी कि उन एजेंसियों को जरूरत थी. क्वालिटी चेक थया बाद 10 लाख मीटर फैब्रिक नो ऑर्डर सूरतना आ उद्योग साहसिक ने मळ्यो छे. और हमें गर्व है कि आज हम भारतीय रक्षा क्षेत्र में टेक्सटाइल की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में हम सफल हुए हैं. और मैं तो अब ये कहूँगा आज दिन तक हम आयात करते थे, थोड़े ही समय में अब हम निर्यात करने की भी स्थिति में बहुत जल्दी आ जाएंगे. हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है और ये जो परिकल्पना है सच में बहुत ही बेहतरीन परिकल्पना है और उनके ही आह्वान पर आज हम लोगों में ये हौसला है कि हमने ये सब काम करने में सफलता प्राप्त की है. आज प्रधानमंत्री जी का कोई भी विजन है उसके पीछे जरूर कोई रीजन है. દરેક ઉદ્યોગ સાહસિક માટે આ ઉદાહરણ તેમના ઉદ્યોગને ભારત કેન્દ્રિત કેવી રીતે બનાવી શકાય તે કહી જાય છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે સુરતથી ગૌતમ પટેલનો રિપોર્ટ.